Y'all come look at this. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबका स्वागत है पोकेमोन द फायर एस्केप के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम जाएंगे ग्रेप फ्रूट आइलैंड पे और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या क्या है। तो अब जल्दी से चलते हैं सेवन ग्रेप फ्रूट आइलैंड्स पे। तो हम इधर पहुँच गए हैं, तो अब साइकिल निकाल लेते हैं अपनी। तो गाइस इससे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रही है। यहाँ सेवन ग्रेप फ्रूट आइलैंड है, तुम ये बता सकते हो इनके नाम से ही। तो यहाँ पे ग्रेप फ्रूट्स उगाते हैं इसलिए इसका नाम ग्रेप फ्रूट आइलैंड है। तो बहुत बढ़िया भाई, इतना आसान नाम है। तो यहाँ पोकेबॉल है, ये देखते हैं। तो इसके अंदर बेरी जूस है, बढ़िया बहुत ही। तो हमने बेरी जूस तो ले लिया है, इधर भी जाके देखते हैं इधर कुछ है या नहीं है। तो पता नहीं इतना ज़्यादा अटक क्यों रहा है साइकिल मेरी, लगता है ये ज़्यादा बड़ी जगह आ गई ना इसलिए लोड नहीं हो पा रहा। तो ये इधर भी मतलब थोड़े बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ये सारे बेरी जूस इकट्ठे कर रहे हैं। तो और लोगों से भी बात करके देखते हैं और लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे हैं वैसे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये भी बेरी जूस इकट्ठा कर रहा है, सारे ही मतलब बेरी जूस इकट्ठे कर रहे हैं। तो इनसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब चलते हैं हम अपने उस पे आइलैंड पे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं आइलैंड की तरफ, नीचे की तरफ। ऊपर तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, ज़्यादा कुछ तो है नहीं ऊपर। तो अब नीचे जाके देखते हैं नीचे क्या क्या है। तो इधर से रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, जा सकते हैं हम नीचे। तो जल्दी जल्दी इधर से इस तरफ रास्ता है राइट साइड। तो देखते हैं हम इधर कुछ शहर वहर हो, इधर इधर एक और आइलैंड है। तो इधर है क्या क्या, इधर ये बंदा है, किससे बात करते हैं। ईस्ट की तरफ जो आइलैंड है वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से ग्रेपफ्रूट मिलते हैं, ज़्यादा ग्रेपफ्रूट बचे नहीं हैं। तो इससे भी बात करते हैं। मैंने सोचा है कि मैं नए वाला आइलैंड जाने से पहले यहाँ थोड़ी देर रुकूँ। तो भाई सही है भाई, छुट्टियाँ मना तो इधर। तो इधर इसके अंदर देखते हैं, तो ये एक लैब सी है शायद, इनसे बात करने कोशिश तो नहीं कर सकते, तो इससे बात करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, वो एक स्नोरलैक्स ने परेशानी खड़ी करके रखी है, क्या तुम उसे जाके ठीक कर सकते हो। तो गाइस हमने तो कुछ बोला भी नहीं और इसने खुद ही बोल दिया कि क्या तुम उसको जाके ठीक कर सकते हो, मतलब अब हमें ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ, ऊपर जल्दी जल्दी अब चलते हैं। तो राइट साइड की तरफ मुड़ना है अब हमें, तो जल्दी से चलते हैं। वैसे गेम में मैं इतनी साइकिल चलाता हूँ, असली में तो मैं पता नहीं कितनी कम साइकिल चलाता हूँ, शायद मेरे को खुद भी याद नहीं रहता कि मैं साइकिल कब चलाता हूँ। और ये गेम में तो बस एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाने के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो ये गड्ढे जब मैं पहले गेम खेलता था ना, मेरे को ऐसे लगता था कि इन गड्ढों के ऊपर से अगर जाऊँगा ना मैं तो गिर जाऊँगा, और मेरे को मतलब ये ट्रैप होता है कोई। तो गाइस अब नीचे की तरफ जाके देखते हैं, तो बोल रहा कि स्नोरलैक्स से केयरफुल, सावधान रहना। तो इस तरफ जाना है, ये शायद लास्ट आइलैंड होगा। हाँ तो ये लास्ट ही, और ये हमारा स्नोरलैक्स। तो स्नोरलैक्स अभी सो रहा है, तो हम इसे ले लेते हैं चुपके से, तो हम उसे निकनेम नहीं देंगे। तो गाइस मैं इधर पहुंचता हूँ, तो मैं इधर आ चुका हूँ। तो अब एक बार पहले तो पोकेमोन हील कर लूँ मैं अपने। पोकेमोन हील करने से डेटा रिकॉर्ड हो जाता है ना हमारा, कि मतलब हम कहीं हार गए तो हम इधर ही स्पॉन हो जाएंगे, हमें पीछे वाला आइलैंड पे नहीं होना पड़ेगा। तो हमारे पोकेमोन हील हो रहे हैं, तो जल्दी से हील कर लेते हैं अपने पोकेमोन। और तो हमारे पोकेमोन हील हो चुके हैं, तो टाइम जो है हमारे पोकेमोन हील करने के लिए। तो अब बाहर चलते हैं इधर से।
तो इस साइड वाले लैब जो भी है इसमें इसमें जाके देखते हैं पहले तो। और ऐसे बंदे तो देखे ही नहीं होंगे गाइस आपने जो जरा सी दूर के लिए साइकिल लेते हैं जैसे कि मैं। तो तुमने सच में स्नो लक्स रोक दिया, थैंक यू। तो ये लो लिफ्ट ओवर, लिफ्ट ओवर। चलो मुझे कुछ काम करने दो, स्नो लक्स ने इतनी परेशानी खड़ी करके रखी थी। तो भाई इसने हमें लिफ्ट ओवर दिया जिसको गलती से मैंने लिफा टोवर बोल दिया। तो गाइस थोड़ा वो कर लेना, एडजस्ट कर लेना गाइस थोड़ा सा। तो मैं अब इधर पहुंच चुका हूँ गाइस, तो अब जल्दी से जाते हैं। तो ये टोरविटो आइलैंड नया आया है तो इधर की तरफ ही चलते हैं। तो हम इधर आ चुके हैं गाइस, तो पहले तो सेव कर लेते हैं एक बार। तो हमने सेव तो कर लिया, अब ऊपर की तरफ जाके देखते हैं ऊपर क्या है। तो इधर क्या है क्या है, तो इधर एक झरना है साइड में मस्त एकदम। तो झरने से वैसे हमारा कोई काम नहीं है तो इस लड़की से बात करते हैं। यहाँ का जिम लीडर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें कुछ ज़रूरत चाहिए होगी मदद। तो ये हमारे पोकेमॉन इंडोर सिखा रही है, तो इंडोर तो हम नहीं सिखा सकते क्योंकि हमारा कोई पोकेमॉन सीख भी नहीं सकता। तो घर के अंदर जा कर देखते हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं तो इनसे बात करते हैं, और इनके चाल चलन तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मैं रूडी को हराने की लंबे समय से कोशिश कर रही हूँ पर अभी तक हरा नहीं पाई। यहाँ का जिम लीडर बहुत अलग अलग टाइप के पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है। तो थैंक यू भाई हमें बताने के लिए कि अलग अलग टाइप के पोकेमोन इस्तेमाल करता है वो। तो अब साइड वाले घर में जाकर देखते हैं क्या चल रहा है। तो एक तो ये बीच बीच में टक जाता है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तो इससे बात करते हैं। रूडी मेरा भाई है, बहुत ही आसान है वो। तो कहना क्या चाहते हो भाई तुम? तो दिमाग ख़राब करके रख दिया भाई, एक तो पता नहीं कितना हार्ड है उसको हराना, मेरे को खुद नहीं पता। तो जल्दी से गाइस इधर के जिम की तरफ चलते हैं। ये सब बोल रहे जिम जिम, तो इधर एक जिम भी हो गई आराम से। तो होले होले चलते हैं इधर से क्योंकि गिर गए तो काम तमाम हो जाएगा हमारा। तो गाइस पोकेमॉन हील कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाइस डेटा रिकॉर्ड हो जाता है अगर फेंट हो गया तो। हम इधर ही पहुँचेंगे सीधा और किसी पोकेमॉन सेंटर में नहीं पहुँचेंगे। तो हमने पोकेमॉन तो हील करा लिया, थैंक यू नो जो है हमारे पोकेमॉन हील करने के लिए। तो अब जल्दी चलते हैं जिम की तरफ और एक बार इससे भी बात करते हैं। इस आइलैंड पे मछली पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई हम तो मछली खाते भी नहीं ना पकड़ते भाई, तुम अपना देखो भाई। हम चले ऊपर, तो हम जिम के पास आ चुके हैं। तो ये पता नहीं कौन है सामने। हेलो, मैंने सोचा है कि तुम यहाँ पे जिम तक आ गए, तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो मैं तुम्हारे थोड़े पर काट लेती हूँ। तो गाइस ये हमारे पर काटने चले गए, अब इसके काटते हैं हम। तो पर्शियन सॉन्ग मारेंगे सबसे पहले तो इसके ऊपर। तो अब छोटे मोटे कोई टट्टू टट्टू से अटैक कर लेते हैं कोई, ये जरा जरा सी एचपी के, क्योंकि पर्शियन सॉन्ग तो हमारा काम कर ही देगा इसका। तो बस ऐसे ही अटैक मारते रहते हैं एक दो, बस हमारा पोकेमॉन ना फेंट हो जाए यार। तो बस एक और बचा है, एक और अटैक झेल ले भाई तू। तो वाटर गन टेक डाउन मिस हो गया, अच्छी बात है। तो अब लगेगा इसको पर्शियन सॉन्ग, तो हमने इसको भी फेंट कर दिया है। और हमारे लैप्रस भी फेंट हो गई, लैप्रस ने गाया और लैप्रस ही फेंट हो गई, क्या बात है भाई। तो तुमने मुझे हरा दिया, इम्प्रेसिव, गुड ट्रेनर लो तुम, गुड लक। तो ये तो चली गई, तो मैं अपने पोकेमॉन हील करा के आया गाइस। मैंने अपने पोकेमॉन हील करा लिया गाइस और चलते हैं जल्दी से अंदर। तो अंदर हमें शायद इनसे बैटल करनी पड़ेगी, तो गाइस जल्दी जल्दी इनसे बैटल करते हैं पहले तो।
तो इसके पास दो पोकेमोन है, पहला पोकेमोन एलेक्जाम, तो इसके ऊपर वाटर गन मारते हैं, तो देखते कितना अटैक हुआ। अरे ज़रा सही डैमेज हुआ आइस बीम, तो इसने सही डैमेज दिया। एक और अब अटैक करके देखते। अरे हाँ सही है, हमारे पोकेमोन को ज़्यादा डैमेज ना हो बस, बाकी सब सही है। तो हमने इसका फर्स्ट पोकेमोन तो फेंट कर दिया है, तो इसका सेकंड पोकेमोन देखते कौन सा है। तो इसका सेकंड पोकेमोन राइड होना है, तो वाटर गन में तो काम चल जाना चाहिए। तो ऐसे हाँ फेंट हो। अरे यार ये एच पी का भाई भैंस की आग भाई, क्या ही बोलूँ भाई मैं इनको, एक एच पी का छोड़ दिया गाइस इन्होंने। तो हमने इसको हरा तो दिया है, तो हम पहले तो मैं पोकेमोन हील करा के आया, तो हमने हील करा लिया पोकेमोन, तो इससे बात करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो, चलो देखते हैं कि तुम बैच के लायक भी हो या नहीं। तो भैया हमें अपने पोकेमोन वो करने हैं चूज, तो एक तो चार्जर तुम लेंगे, ये पिकाचू ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं लैप्रस। तो अब चलते हैं बैटल की तरफ। तो इसका फर्स्ट पोकेमोन इलेक्ट्रोपस है, तो इसको भी जल्दी से हरा देते हैं करते हैं। तो इसने पहला अटैक करा, तो पता नहीं इफेक्टिव बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया गाइस, मतलब पूरा 100 HP तक का डैमेज दिया इसने हमें। तो गाइस हमने इसको हरा तो दिया है, और अगर आपको मेरी थोड़ी सी वॉइस अजीब लग रही हो तो भाई सॉरी, क्योंकि मेरे को ना जुकाम है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज़्यादा ही कुछ ठंडा पानी पी लिया था इसीलिए। तो हम इसको भी जल्दी से हरा देते हैं। तो अरे हम इसको नहीं हरा पाएंगे अब, तो अब दूसरा कोई पोकेमोन देखते हैं, पिकाचू को भेजते हैं। तो पिकाचू से भी ज़्यादा कोई हैवी अटैक नहीं करवाएंगे, हल्का सा अटैक कराते हैं। चलो एक वाइल्ड चार्ज मार देते हैं। तो हमने इसको फेंट कर दिया है, अब इसका लास्ट पोकेमोन बचा है एक, हमारे पास दो है, तो शायद हम इसको हरा ही देंगे आराम से। तो देखते कौन सा पोकेमोन है, तो एग्जेक्यूटोर है, तो इस पर भी वाइल्ड चार्ज मारते हैं। तो जरा सा बिल्कुल जरा सा एचपी का डैमेज दिया भाई, पता नहीं। अरे हम फेंट कर दिया गाइस इसने हमें। तो अब देखते हैं भाई लैप्रस को भेजते हैं, लैप्रस हरा पाएगा या नहीं। तो वाटर गन मारते हैं गाइस, तो हमारा पोकेमोन ने पहले अटैक नहीं करा, तो अरे भाई गए 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 भाई, हो गया काम। तो गाइस अब क्या कर सकते हैं, अब तो पोकेमोन सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो हम पोकेमोन सेंटर तो आ चुके हैं गाइस, तो जल्दी से अब पोकेमोन हील कर लेते हैं हम। तो हमारे पोकेमोन हील हो रहे हैं, तो हमारे पोकेमोन हील हो चुके, तो थैंक यू जो है हमारे पोकेमोन हील करने के लिए। तो गाइस सारे पोकेमोन हील हो चुके हैं, तो अब जल्दी से मैं आपको जिम के अंदर ही मिलता हूँ। तो जिम की तरफ चलते हैं जल्दी से। बस इनसे हमें दोबारा बैटल ना करनी पड़े, तो हम बैटल नहीं करेंगे, जल्दी से अब चलते हैं जिम में इससे बैटल करते हैं। तो इसके पास सेम ही पोकेमोन होंगे, मतलब बदलेगा तो नहीं, मैं भी क्या ही बात कर रहा हूँ। तो हम अपने सेम पोकेमोन से रखेंगे, बस थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग करेंगे, थोड़ी सी। तो गाइस इसका इलेक्ट्रोबस ही है पहला पोकेमोन, तो अर्थक्विक मारते हैं। तो हमने इसके फर्स्ट पोकेमोन को वन हिट कर दिया है, तो अब इसका सेकंड पोकेमोन है स्टार मी को। अरे यार पोकेमोन चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आया गाइस, नहीं तो मैं पिकाचू चेंज करता सच्ची में, पर ऑप्शन ही नहीं आया। तो एक और बार देखते गाइस अर्थक्विक करके, तो अर्थक्विक मेरा बिल्कुल भी सुपर इफेक्टिव नहीं लगता भाई, मेरा कोई अटैक सुपर इफेक्टिव लगता ही नहीं, और इनका अगर एक लग गया ना दूसरा भी उतना ही लगेगा भाई। पिकाचू को भेजते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम भी, तो पिकाचू से थंडरबोल्ट करवाते हैं एक, क्योंकि जरा सी एचपी का आया इतना तो शर्म कर लेगा पिकाचू भी, हरा देगा। तो हरा दिया इसने स्टारमी को, तो अब तो बिल्कुल भाई सेम हो गया बिल्कुल पहले की तरह। तो लास्ट पोकेमोन इसका एग्जीक्यूटोर है, तो इस पर करते हैं थंडर पंच, देखते हैं कितना डैमेज देता है। तो इसको ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया गाइस, तो
फेंट कर दिया इसने हमारा पिकाचू भी। तो लैस्कॉटल को भेजते अब, तो एक बबल बीम या आइस पंच मारते हैं इसका। अरे इसने हमें वन हिट कर दिया, एक एचपी का भी बचा होता ना शायद अभी हम जीत चुके होते। तो गाइस जल्दी से मैं अपने पोंग में हील करा के आया, तो मैंने अपने पोंग में हील करा लिया है। तो अब फिर से एंटर करते हैं, तो इसकी बार हम स्ट्रेटजी से थोड़ा खेलेंगे। तो इसका फर्स्ट पोकेमोन वो था ना, क्या बोलते उसको, इलेक्ट्रोबस, तो उसके लिए तो चारिजार्ड ही सही है। मैंने वैसे सारे पोकेमोन तो सेम ही लिया है, बट एक बल्बसोर ले लिया है मैंने, तो बल्बसोर इसको हरा देगा। तो इसको पहले तो स्लीप पाउडर से धुला देते हैं, और उसके बाद हम इस पर सोलर बीम मारेंगे। तो एक सोलर बीम लगा, अब एक और बार सेम अटैक करते हैं हम। तो ये उठ चुका है, तब अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको हम हरा देंगे। तो हमने इसको तो हरा दिया है, तो इसका एग्जीक्यूटर पोकेमोन है, तो इसको देखते किससे हराए। तो इससे पोकेमोन चेंज करते हैं और चारिज़ार्ड को बुलाते हैं। पहले तो चारिज़ार्ड से फ्लेम थ्रोर करवाते हैं, और इसको भी वन हिट कर देंगे हम। तो वन हिट में ये भी हो चुका है। तो अब इसका लास्ट पोकेमोन है स्टारमी, तो स्टारमी को भाई पिकाचू हरा देगा। तो पिकाचू थंडरबोल्ट या वाइल्ड चार्ज करते हैं, एक ही बार में हरा देगा। अरे एक और मारना पड़ेगा, तो इसने हमारा पिकाचू फेंट कर दिया है। तो अब बल्बसोर को भेजते हैं, तो एक एनर्जी बॉल मारते, तो बल्बसोर भी फेंट हो गया। तो बस चार्जर्ड की तरह मैं इसकी बार नहीं हारना चाहता गाइस। तो हमने इसको फाइनली गाइस हमने इसको हरा दिया है। तो तुमने स्पाइक शेल बैच जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो भाई इतनी खुशी हो रही है मेरे को, दो बार हारने के बाद तीसरी बार में जीत गया मैं। तो ये बोल रही है मेरा थर्ड बैच है भाई। हाँ थर्ड बैच है। तो लास्ट इसने कुछ डेविड जैसा कुछ डी से नाम लिया था ना, तो जाके ही पता चलेगा डी से कौन था वो। तो अब जल्दी से पहले पोकेमोन सेंटर में जाकर मैं पोकेमोन हील कराऊँ अपने। तो जल्दी से अंदर घुसते, एक तो इतना टकता है यार। तो अंदर घुसते हैं पोकेमोन सेंटर के, और उसके बाद पोकेमोन हील कराते हैं। तो हमारे पोकेमोन हील हो रहे हैं, तो हमारे पोकेमोन हील हो चुके हैं। तो थैंक यू नर्स जो है हमारे पोकेमोन हील करने के लिए। तो इधर बैठ जाते हैं गाइस और सेव कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज सबर करा सबर करा सर सर व्हाटएवर।